पहली गेंद ब्लैक मांबा की तरफ से सरफराज करते हुए पहली गेंद डॉट होती हुई और इस बीच अच्छी फील्डिंग, रनआउट का खतरा, क्या यहां पे अंपायर की उंगलियां हवा में उठने वाली हैं। अपील जोरदार की गई है। अयूब खान अंपायर, एक रन यहां पर मिलता हुआ। अयूब जी स्पेशली देखिए आज ऊपर जो बैठे हैं ईश्वर खुदा स्पेशली छांव आपके लिए किए हैं कि आप रोजा हैं उसके बाद भी अंपायरिंग और मैच भी खेलते हैं। अच्छी गेंदबाजी सरफराज की और बॉडी लैंग्वेज दिखानी होगी ब्लैक मांबा की टीम को। आपका नाम है ब्लैक मांबा, इसका बहुत बड़ा मायने होता, मीनिंग होता है। दूर से लपकने की कोशिश करिए, फंसाने की कोशिश करिए, लेकिन दिलीप वर्मा काफी अच्छे बल्लेबाज, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल। ये मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच में, एक में आशीष सिंह, दूसरे में नितिन सिंह, स से शुरू होने वाला रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, वही रिश्ता। एक रन यहां पर मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 3 पे। दिलीप वर्मा सरफराज की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार होते हुए, अच्छी फील्डिंग और उसी की जरूरत है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी बदलनी चाहिए। ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 4। कोई जरूरी नहीं है, आपका एक दिन अगर इधर से उधर हुआ दूसरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपकी टीम अगर अच्छे से खेले। लेकिन मैं यहाँ पे यूनाइटेड 11 की बात करूँगा कि आपकी टीम भी बहुत ज़बरदस्त है और दिलीप वर्मा जैसे ईशान किशन को लेने के लिए पूरा प्रयास कर दिए थे मुंबई इंडियंस के जितने भी समर्थक सपोर्टर थे, टीम ओनर थे, वैसे ही दिलीप वर्मा को लेने के लिए नितिन सिंह ने प्रयास किया था। तो आज आपको अच्छी पारी खेलनी है, अपनी टीम को विजय दिलानी है, नितिन सिंह की टीम को विजय दिलानी है। लेकिन आशीष क्या इस विजय रथ को रोक पाएंगे, गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। मैंने यहां पर देखा बहुत तेज गेंद की गेंद करने का कोई मतलब नहीं है, गेंद कैसे आप डॉट करा लेते हैं वो फायदेमंद रहा है। लेकिन योगेश काफी अनुभवी बल्लेबाज, इस बार हवा में गेंद थी, कैच हो सकता था, बहुत अच्छा प्रयास था। तालियां तो बजनी चाहिए लेकिन तालियां ही नहीं बज रही है। जो भी कोई किसी भी टीम का हो, अगर अच्छी बैटिंग होती है, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, तो उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। आशीष और पीछे उनके शायद अशोक थे, बाउंड्री आते भी रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 10 पे। दिलीप वर्मा कितनी गेंद हुई इस ओवर में, 2-2 गो। एक रन मिलता हुआ, स्कोर 11। योगेश से बात करने के लिए इस समय जाते हुए उनके साथी खिलाड़ी दिलीप और योगेश की दोस्ती ना केवल इस टर्फ ग्राउंड तक बल्कि अंबरनाथ स्टेशन पर भी देखने को मिलती है कई बार। योगेश आशीष की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, सीधे बल्ले से खेला, रन आउट का एक चांस हो सकता था, सिंगल मिलता हुआ, ओवर समाप्त हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद 13। दो ओवर की समाप्ति के बाद 13। योगेश
17 हुआ स्कोर और सिंगल यहां पर आता हुआ दिलीप सामना करने के लिए अब तैयार। बाउंड्री मिस फील्ड का सिलसिला बहुत तगड़ा इस टीम के साथ लगा है। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 24-24। तीन ओवर 25 रन। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी अशोक निभाने के लिए आए हैं यहां पे दिलीप। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और दिलीप ही नहीं केवल बल्कि योगेश भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। दिलीप निजी स्कोर कितने पे खेल रहे हैं हमारे स्कोरर बताएंगे। एक बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद गौरव गौरव की कल बता रहे थे नींद पूरी नहीं हुई लेकिन मुझे लग रहा है ये नींद आज भी पूरी नहीं हुई है। एक्स्ट्रा रन बहुत महंगे पड़ेंगे। नो बॉल फ्री हिट दिलीप वर्मा के लिए। अच्छी गेंद टर्फ क्रिकेट में एक बात बहुत जरूरी है कि अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है तो ही आपकी टीम आगे जा सकती है और फील्डिंग का कद थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा ब्लैक मांबा की टीम को जो कि अभी तक देखने को नहीं मिली है। हर ओवर में बाउंड्री छूट रही है और एक्स्ट्रा के रन दिए जा रहे हैं। आखिरी तीन गेंद अभी बची हुई है। अशोक है गेंदबाज थोड़े से निराश अशोक जरूर है लेकिन क्या कर सकते हैं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आप गेंदबाजी कर सकते हैं। फील्डिंग विकेट के पीछे आप नहीं कर सकते कि गेंद भी डालें और पीछे भी चले जाएं। वाइड भले वाइड है लेकिन अच्छी गेंद थी कोशिश थी पैरों पर गेंद करने की। एक रन मिलता हुआ स्कोर 32। स्कोर 34। पांच मैच खेली है ब्लैक मांबा एक जीती है और जो जीती है वो 38 या कितना चेस करके ही जीती है तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा होगा। आउट ना
35 to win. जीत के लिए ब्लैक मांबा की टीम ने की टीम के सामने 35 रनों का लक्ष्य यूनाइटेड इलेवन की टीम ने रखा है। यूनाइटेड इलेवन की टीम बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गई है। योगेश कितने रन बनाए हैं और कितने रन दिलीप बनाए, हमारे स्कोर बताते हुए इस समय दिलीप की अगर बात किया जाए, योगेश 12 और दिलीप 19 रन दिलीप बनाए हैं। और पॉइंट टेबल की बात किया जाए तो इस समय वीकेंड वॉरियर्स की बात किया जाए तो 10 पॉइंट है, 5 के 5 मैच उन्होंने जीते हैं। नाइट राइडर्स 4 में से 3 जीते हैं, 7 पॉइंट है। और एम स्टार्स की बात किया जाए तो 7 पॉइंट और 6 पॉइंट है मॉल्टन मैग्मा के, और 3 पॉइंट हैं यूनाइटेड 11 के। आर्मी एवेंजर्स 2 पॉइंट और अब 4 हो चुका है, विक्रमास के 2 और ब्लैक मांबा के 2। बिल्कुल इसी की ज़रूरत है कि आप गेंद पे तेज प्रहार करें, सिंगल को डबल में करने की कोशिश करें, और अगर कुछ नहीं बाउंड्री नहीं आती तो कम से कम सिंगल तो लेते रहें, डॉट गेंद ना हो। अच्छी गेंदबाजी दिलीप वर्मा की, सामने शैलेश हैं इस बार 13 शॉट, 1 रन के लिए निकलना चाहते थे, सरफराज पहुंच गए लेकिन यहाँ पर आउट होकर के वापस आना पड़ेगा शैलेश को। सरफराज आउट हुए, कौन आउट हुआ सर? अयुब जी, सरफराज, यस शैलेश आ रहा है, शैलेश, यस, क्योंकि क्रीज इन्होंने रन आउट किसने किया, योगेश ने, यस सर, थैंक यू। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है यहां पे, लेकिन उसका कितना फायदा उठा पाएंगे, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि गेंदबाज को थोड़ी सी दिक्कत होती है गेंदबाजी करने में। सिंगल यहां पर मिल जाएगा, सरफराज आउट हुए या नहीं आउट हुए ये तो अंपायर बताएंगे, लेकिन अपील जोरदार की गई है।
अपील जोरदार की गई है तीनों अंपायर आपस में डिस्कशन करते हुए। बड़े विकेट की बात है तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, सिंगल मिलता हुआ। रिव्यू लिया गया है, पहला ओवर अभी भी जारी है, दो रन मात्र स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। कितनी गेंद हुई है इस ओवर में भी, चार गेंद हो चुकी है, पांचवी गेंद लेकर के तैयार हैं दिलीप। सामने आशीष, सीधे बल्ले से खेला, हाथ में डॉट गेंद होती हुई, थोड़ा अगल बगल खेलने की जरूरत, बड़े शॉट की जरूरत, क्योंकि रन अगर बात किया जाए तो 35 बनाने इस जीत के लिए। आशीष आउट हुए, ओवर समाप्त हुआ। दो रन दो रन बने हैं, 18 गेंदें बची हुई हैं और 18 गेंदों पे अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है। 18 पे 33, 13 शॉट, बेहतरीन शॉट, भले ही एक रन मिलेगा। जरूरत तो है कि बल्ला आपका तेज चले, क्योंकि अब सिंगल से कुछ होने वाला नहीं है। 17 गेंदें और अभी भी 32 रनों की आवश्यकता। बड़े शॉट की दरकार, देखना है कौन आता है।
बाउंड्री आती हुई अशोक के बल्ले से, और हर बल्लेबाज को अब या तो आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, दोनों में से एक होगा, लेकिन बल्ला तेज चलाना होगा। लेकिन नितिन सिंह को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत अपनी टीम के लिए है। एक रन यहां पर भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बॉलिंग नितिन की। सरफराज कैप्टन टीम के, चार गेंद हुई अभी तक, यस कितनी गेंद हुई है, पांच हुई है सर, वन टू गो। एक रन के साथ ओवर समाप्त हुआ, दो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद आठ नौ, दो ओवर की समाप्ति के बाद नौ, छब्बीस, बारह गेंद छब्बीस रन, बारह गेंद छब्बीस रन। चार रन अभी भी मैच में है, वापसी हो सकती है, क्योंकि अब 11 गेंद और अभी भी 22 रन की आवश्यकता, 11 पे 22, हर गेंद पे दो रन बनाने हैं। अब सरफराज के ऊपर है कि वो कैसे बल्लेबाजी करते हैं, सिंगल को कैसे डबल में तब्दील करते हैं या बड़े शॉट लगाते हैं। लेकिन अरशद को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, पिछला मैच कल भी इनका जो था कुछ गेंदें इच्छा पड़ी थी। सिंगल मिलता हुआ, रन संख्या पहुंच चुकी अब 14 पे, 10 गेंद 21, 10 गेंद पे 21, सोनू आ रहे हैं क्या अभी, अरशद की गेंद का सामना करने के लिए सरफराज फिर से तैयार होते हुए। आठ गेंद 21 रन, रन आउट किसने किया, अब बिना बाउंड्री के कुछ नहीं होने वाला है। सरफराज दो बाउंड्री आप लगाइए, फिर नानी शेखर बल्लेबाज भी छह गेंद खेले वो भी लगाए तभी कुछ होगा। लेकिन अरशद ऐसे ही फंसा के रखना पड़ेगा, अगर अपनी टीम को आप जिताना चाहते हैं तो आप बाउंड्री मत दें, सिंगल ना दें। सोनू क्योंकि बिना बड़े शॉट के कुछ नहीं होगा, सिंगल से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब 15 रन हुआ है स्कोर अभी तक और 6 गेंद अब बची है, 6 गेंद 6 पे 20, बहुत अच्छी गेंदबाजी यूनाइटेड 11 की, नितिन सिंह की टीम की।
बिल्कुल ब्लैक मांबा को बांध करके रखा है बॉलर योगेश। क्या 5-4 लगा सकते हैं सरफराज? चार पे 18। अच्छी पकड़ यूनाइटेड 11 की इस मुकाबले में। सरफराज का बहुत बेहतरीन कैच लिया। कैच किसने लिया? कैच किसने लिया? अंकित ने। बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी योगेश की। आखिरी बैट्समैन इस समय आते हुए गौरव मुस्कुराते हुए। जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, फर्क पड़ के क्या करेगा। आखिरी जोड़ी है, कम से कम पूरी गेंद खेले। वाइड डॉट गेंद होती हुई। एक पे 16, 1-2 गो। इस मुकाबले को जीत लिया यूनाइटेड 11 की टीम ने। बहुत ही अच्छी जीत करीब 16 रनों से। नितिन सिंह काफी खुश, क्यों ना हो। बहुत ही अच्छी टीम और बहुत ही अच्छी जीत मिली है यहाँ पर यूनाइटेड 11 की टीम को।